वेलकम बैक टू द चैनल। और पता है मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ घूमने। आज है संडे और हस्बैंड लास्ट 3 दिनों से हैदराबाद गए हुए थे, पर फाइनली आज मॉर्निंग में ही वो आए हैं। और अगेन उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ तो नहीं बोल सकते क्योंकि आज मच कुछ करेंगे नहीं, पर वो बोले चलो रेडी हो जाओ घूम कर आते हैं। और मुझे सच में नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस उन्होंने बोला और मैं हो गई हूँ रेडी। क्योंकि भाई घूमने का मौका कौन ही छोड़ता है, जहाँ भी घुमाएंगे एटलीस्ट घर से बाहर तो जाएंगे, क्योंकि घर पे रह रहे के तो बोर हो जाते हैं। वो लोग दोनों एज इज़ वो नीचे चले गए हैं, आई मीन तीनों, बेबी भी चली गई है और मैं बस अपना वही काम कर रही हूँ, बॉटल डाइपर एंड ऑल, जो कि मैं बहुत बार ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो फिलहाल चलते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पर ऐसे ही ड्राइव को इंजॉय करने, क्योंकि सेफ भी रहेगा बच्चों के साथ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत ऐसे व्यू को। आज ना बहुत ही सनी डे है तो मुझे गर्मी लग रही है, मैंने ये फुल स्लीव के टॉप को पहन लिया है पर मुझे काफ़ी गर्मी फील हो रहा है। फिलहाल चलते हैं। और पता है मैं कब से ना अपने ना स्लीपर्स ढूंढ रही हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बेबी ने उसको थ्रो कर दिया है, क्योंकि आजकल बेबी बालकनी से बहुत सैकड़ों सामान फेंक देती है। तो फिलहाल मैं दूसरा पहन लेती हूँ और नीचे जाके चेक करती हूँ, और आप लोगों को भी ले चेक के चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। कल है मकर संक्रांति, मुझे तिल के लड्डू भी बनाने हैं। वो स्लीपर तो मेरा नहीं मिल रहा है, मैंने काफ़ी ढूंढ लिया है, पर जो मुझे मिला है वो ले पहन कर, मैंने शूज़ पहन लिया। हो गया बेटा, कितनी सफाई करो। तो बेसिकली हम एक ड्राइव पे जा रहे थे, छोटी सी ड्राइव ले रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे हम कहीं बाहर नहीं गए थे। मेरा बड़ा मन कर रहा है पिकनिक पे जाने के लिए, पर सम हाउ हो ही नहीं पाता है। तो हस्बैंड ने बोला चलो आज एक छोटी सी ड्राइव को एंजॉय करते हैं, तो बस गाने वाने लगाएं। वैसे मौसम आज का बहुत ही सनी था, गर्मी लग रही थी, गाड़ी के अंदर तो नहीं बट गर्मी थी, और बेबी मेरी स्लिपी इसलिए फील कर रही है क्योंकि वो सो रही थी और मैंने उसे नींद में ही उठा कर लेकर आ गई हूँ। वैसे तो हम ड्राइव के लिए गए थे लेकिन आगे एक छोटा सा ट्विस्ट भी है जो आगे आपको पता चलेगा, तो देखते रहिए। मेरे से बोला कि वो मुझे रोड ट्रिप पे लेकर आ रहा है, लिटरली आज बहुत गर्मी है। लेकिन कहाँ लेकर आया भाई, ऐसे लो मतलब कभी भी शॉपिंग करने के लिए लेके नहीं आते। आज आपको ऐसा क्या हुआ जो आप शॉपिंग के लिए लेकर आ गए? मतलब लेकर आए, कराओगे कि बस लेकर आए? डिपेंड करता आप करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा, मैं हमेशा शॉपिंग करने के लिए रेडी रहती हूँ, मैं शॉपिंग करूँगी। इधर जगह नहीं मिलता, लेकिन यहाँ लगाओगे क्या? पार्क थोड़ा सा वो है, थोड़ा पीछे ही ट्राई करो, पार्किंग लगा दो। पार्किंग की प्रॉब्लम है, संडे है ना तो और भी भीड़ है। इनका अपना कोई पार्किंग नहीं है क्या? तो यही वो सरप्राइज़ था, हस्बैंड लॉन्ग ड्राइव के नाम पे मुझे शॉपिंग के लिए ले आए थे, और ऐसा मेरे हस्बैंड बहुत ही कम करते हैं। लेकिन मैंने भी आओ देखा ना ताओ, मैंने एकदम शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे ऑफ़र्स उनके द्वारा मुझे बहुत ही कम मिलते हैं। और ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग का प्लेस था, मतलब थोड़ा सिटी से दूर था, 4th फ्लोर तक थे, और एक फ्लोर पे मेन, दूसरे पे वुमेन, और एक पे किड्स का था, और सबसे ऊपर 4th फ्लोर में शूज़ और फुटवेयर का था। मार्केट के मैं मॉल की बात करूं तो वहां से यहां की प्राइस थोड़ी सी अच्छी थी। वैसे मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत चीप था, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी अच्छे थे, कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे और ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा थे। और हम कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं, वैसे अभी फिक्स नहीं है, तो बस मैंने स्टार्ट कर दी शॉपिंग, बेबी से स्टार्ट करा और फिर सब के लिए शॉपिंग मैंने मतलब आज करी। और शॉपिंग में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और किसको नहीं मज़ा आता, हर गर्ल्स को मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ खूब सारी करी शॉपिंग, 4-5 घंटे तक हमने बहुत सारी चीज़ें रखी, बहुत भीड़ भी थी और ट्राई भी करना था, और ट्रायल रूम में भी इतनी भीड़ लगी थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन इस शॉपिंग के दौरान हमारे साथ बहुत बड़ा एक कांड हुआ है जो आगे मैं लोगों के साथ शेयर करूँगी।
कांड यही था, आपने तो देखा ही हमने कितनी सारी शॉपिंग करी, सबके लिए, बेबी, डुग्गू, खुद के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन बिल की लाइन इतनी लंबी थी, लाइक लिटरली हमें 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े होना होता और बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, तो सारा सामान छोड़ कर हम वापस आ गए। हम लोग शॉपिंग किए और बहुत सारा शॉपिंग किए और फिर सारा सामान छोड़ के भी आ गए। एक जो बाड़ी है ना वन, क्योंकि वन बहुत भीड़ थी इसलिए डिलीट की गई है, यानी कि आज के वीक में ना इसका जमाना हो गया, उसको हम तीन चार महीना हो गया उसको तो हम लोगों ने ना अपने 4-5 घंटे आज बिल्कुल बर्बाद किए हैं। क्या किए बताओ, आप बताइए ना। हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया, सब कुछ किया और इतनी लंबी लाइन लगी थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम लाइन में खड़े रहे और बिलिंग कराए, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी इंक्लूडिंग मी, तो इसलिए हमने छोड़ के आ गए। मतलब सब मिला के आज दिन जो था घूमे भी नहीं कि शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करने के चक्कर में हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया और हमने उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। खोलो, पीछे बैठ जाओ मैं, चलो ठीक है बैठे रहो। तो ऐसा ही हुआ, तो अभी हमने गोलगप्पे खाए हैं क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे ना मूड कितना भी ख़राब हो मूड अच्छा कर देता है, और अब हम जा रहे हैं खाना वाना खा के ही घर जाएंगे क्योंकि थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं। अगर पता होता यार कि अपन शॉपिंग नहीं करने वाले हैं तो आते ही नहीं, मतलब कहीं घूमने चले जाते। अभी कहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए? चलते हैं अपना पुराने ठिकाने पे, अच्छा खाना खाने। वहाँ का खाना में क्या नाम था बेटा, फिर मैं उसका नाम भूल गई, मुथन हल्ली। चलते भाई। हाँ, तो जिस कांड की बात मैं कर रही थी वो यही था कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बच्चों को भूख लग गई थी, सब बहुत इरिटेट हो गए थे, तो फिर हमने सारे सामान, सारी शॉपिंग रख के अपना टाइम वेस्ट करके हम वापस आ गए। फिर हमें भूख भी लगी थी तो सबसे पहले हमने खाने पे टूटे टुगू को खाने थे, छोले भटूरे, मैंने तो ये बिरयानी ऑर्डर की थी और सच में यार ये बिरयानी ना बहुत टेस्टी है। मैं हमने फर्स्ट टाइम नहीं खाया पर यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है, आप जाके ज़रूर ट्राई करना है। HSR में है ये मुथान हैली, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो बस हमने यहाँ पर दबा कर खाया और खाना वाना खाने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े घर के लिए। काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब अराउंड 2:30 बजे हम घर से निकले थे और इस टाइम तक 9:30 और 9:25 ऐसा ही समथिंग हो रहा होगा, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। दोपहर से हम घूम रहे हैं और अभी तक सच बोलो तो ना घूम पाए ना कोई काम हुआ, लेकिन हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो लस्सी पार्क में आए क्योंकि बाहर का खाना खाने के बाद ना कुछ इस तरह का खाने में ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं तो कोक पीऊँगी और हस्बैंड लस्सी पियेंगे। बेबी, हस्बैंड को लस्सी पीना है और मेरे कपड़े में यहाँ दाग लग गया पता नहीं किस चीज़ का। अभी बिग बॉस का भी टाइम हो गया तो अब घर जाके बिग बॉस भी देखना है। डुगू ने अपनी ड्रेस पे ना कॉफ़ी करा ली थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उसे बड़ा ही शर्म आ रहा था, क्योंकि मैं बोल रही थी मैं सबको बताऊंगी कि डुगू काफ़ी बेवकूफ़ है, इसलिए वो कैमरे से छुपने की कोशिश कर रहा था। मैं बैठ के इन लोगों का मुंह देख रही क्योंकि मेरे को नहीं पीना है एक्चुअली, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना था जो कि ये ठंडा लेकर नहीं आया है, तो मैं फ्रीज में जाके उसको ठंडा करूँगी और फिर पीऊँगी। सच्ची में सो गए हम, घर आ गए, हमने बिग बॉस देखा और अभी बज रहे हैं रात के 12। आप लोगों को यकीन हो या ना हो, मतलब आप लोगों को यकीन हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को घड़ी भी दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। देखिए 12 बज गए हैं, मतलब 10 मिनट बचे हुए हैं बट 12 बजे हैं, और कल है, लाइट बंद कर देते हैं, किचन में चलते हैं क्योंकि देखिए मेरी कढ़ाई ऑलरेडी चढ़ा दिया है। तो कल है मकर संक्रांति, 15 तारीख को इस बार मनाया जा रहा है, 15 जनवरी को, तो तिल के लड्डू मतलब खाते हैं, छूते हैं, तो वो तो ज़रूरी है। मैंने सोचा था कि जल्दी ही बना लूँगी पर वहाँ से आई थोड़ी थकी थी, पूरा दिन तो इस तरह से वेस्ट ही चला गया। मतलब हस्बैंड बोले कि घुमाने लेकर जाएंगे और घुमाने के नाम पर वो मतलब आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। शॉपिंग किया, इतनी लंबी लाइन थी कि बच्चों को भूख, मतलब डुगू को भूख लगी थी, हम लोगों को भी लगी थी, पर वो बार बार बोल रहा था मम्मा भूख लगी है, तो उतना लंबा टाइम हम रुक नहीं सकते थे, और मैंने फेस वॉश नहीं किया इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ। तो फिलहाल लड्डू बनाते हैं।
चलिए आप लोगों के साथ बनाते कुछ नहीं, बस देखो ना, बस शगुन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे स्टॉक में तिल पड़ा हुआ है और हम तिल लेकर भी नहीं है, पर पता चला कि ये छोटा सा पैकेट तिल का है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पीनट्स ऐड करके एटलीस्ट शगुन वाली मतलब थोड़ी सी तो बना ही लूँगी। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी थक गई थी, और आज सच बोलूँ तो मूड भी काफ़ी ख़राब हो गया था क्योंकि यार इतना टाइम देकर शॉपिंग किया और कुछ भी खरीद नहीं पाए। पर ये करना भी काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि कल मकर संक्रांति है, और घर आने के बाद भी लोटा हो गया कि मुझे लगा मेरे स्टॉक में तिल है, तिल भी नहीं था, पर कोई ना, बनाना तो है ही। दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और पीनट्स को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके मैंने उसको पूरा मतलब छिलका ऑलमोस्ट हटा दिया है। फिर मेरे दिमाग में आया कि डुग्गू तो नट्स खाता नहीं है, पीनट्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी तरह का नट्स, तो मैंने उसको थोड़ा सा मिक्सी ग्राइंडर में चलाने का सोचा कि थोड़ा बारीक हो जाएगा तो मे बी उसके दांतों में ना आए तो वो खा ले। हालांकि ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, वो अभी भी नहीं खा रहा है, लेकिन मुझे लगा था कि शायद उसे फील ना हो तो वो खा ले। तो बस थोड़ा सा मैंने पीनट्स को क्रश कर लिया है और अब तिल और पीनट्स दोनों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी वीजी सी रेसिपी है, हर घर में बनती है, और वीडियो में काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ उसके लिए, आई एम सो सॉरी। और फिर गुड़ का ना एक पाग बना लेंगे, पाग ही बोलते चाशनी टाइप्स, और उसमें इसको डाल के मिक्स करके आप लड्डू भी बना सकते हैं। मैं तो लड्डू ही बनाने वाली थी, पर बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा गुड़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने इसकी चिक्की बना ली थी और प्लेटफॉर्म पे मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं खड़े होकर बनाऊँ। दोनों बच्चे सो गए हैं, बीच में बेबी उठ गई थी, तो फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेकर उसे फीड कराया और वापस से सुला दिया है। तो गुड़ का पाग यहाँ पर मेरा रेडी हो गया। वैसे मैं इस तरह से जैसे चेक कर रही हूँ ना, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए मैं भी कर लेती हूँ। पर हाँ, बनाते बनाते लकली मैं बनाती अच्छा हूँ, पर अगर कोई मेरे से मेज़रमेंट पूछे कि किसका रेशियो पोर्शन कैसा होना चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नहीं गाइड कर पाऊँगी। और इस टाइम तक मुझे लगा था कि मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, पर जैसे ही मैंने मिक्स किया ना तो मुझे फील हो गया कि गुड़ थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि इस टाइम पर भी मैं अगर फ्लेम पर थोड़ा सा इसको हार्ड टाइट कर लेती तो वो हो जाता, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि चिक्की भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस मैंने इसे एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा दिया प्लेट में और फिर उसको सेट करने के लिए रख दिया था। जब ये सेट हो गया तो मैंने इसे चाकू से काट दिया शेप में, और मीनवाइल मैं किचन भी क्लीन कर रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के कुछ बर्तन थे और अभी जो ये तिल के लड्डू बनाई हूँ तो बर्तन निकल गए हैं। और रात कितना भी ज़्यादा हो, मैं कितनी भी थकी हूँ, मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं किचन क्लीन करके ही सोना प्रेफर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कम होता है जब मैं किचन को छोड़ देती हूँ ऐसे ही। किचन का पूरा काम कर लिया है, पता है सुबह में ब्रेकफास्ट किया था ना तो वो भी बर्तन क्लीन नहीं किया था, तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया। ऐसे करने से काफ़ी अच्छा लगता है। लड्डू बनाने वाली थी पर कोई बात नहीं, मैंने इसका मतलब तिल और पीनट्स वाली चिक्की बना दी। तिल कल खाते हैं बेसिकली, तो कोई बात नहीं, इसको कवर कर देते हैं। मैंने काट दिया है, सेप में आ गए हैं, पर रात भर छोड़ देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। रात के 1 बज चुके हैं, दोनों बच्चे सो गए हैं, बेबी बीच में उठ भी गई थी। मैं करूँगी ऑयलिंग और फिर मैं सो जाऊँगी। और कल है मकर संक्रांति, तो मेरी तरफ से एडवांस में आप सभी को मकर संक्रांति की, गुड़ी पाड़वा की और पोंगल की। कर्नाटका में पोंगल के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है। तो मेरी तरफ से आप सभी को जिस स्टेट में लोहरी की तरफ से मतलब लोहरी की जिस स्टेट में जिस नेम से मनाते हैं उसकी ढेरों 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 बधाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, पता है आज हम शॉपिंग के लिए क्यों गए थे? क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने के लिए, पर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे हस्बैंड के फेक वादे से मुझे मेरा दिल थोड़ा सा वो मतलब उतने मैं फेथ में नहीं हूँ। कहीं घूमने जाएंगे अपन? मे बी तो सुन सकते हो ना, मतलब हस्बैंड खुद ही मे बी बोल रहा है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है।
कोई ना जाएंगे तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।